नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में किसी भी सिस्टम ऐप को एसडी कार्ड में मूव कर सकते हैं और किसी भी एसडी कार्ड की ऐप को सिस्टम में मूव कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉयड डिवाइस के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है सिस्टम ऐप मूवर। तो आपको सिस्टम ऐप मूवर सर्च करना है, फिर आपको पहले नंबर पे एक ऐप आ जाएगी, तो आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये ऐप आपके रूट डिवाइस में काम करेगी, तो आपका डिवाइस रूट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए, मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को रूट कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देखकर अपने एंड्रॉयड डिवाइस को रूट कर सकते हैं। रूट करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। ऐप ओपन हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। तो अगर आपको सिस्टम की ऐप को एसडी कार्ड में मूव करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो सिस्टम ऐप रोक के दबाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी सिस्टम की ऐप्स भी आ चुकी हैं। तो आप किसी भी सिस्टम ऐप को एसडी कार्ड में मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी क्रोम को एसडी कार्ड में मूव करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करूँगा। और आपको इस अगर आपने इसका अपडेट किया हो तो रिमूव अपडेट पे क्लिक करना होगा और ओके दबाना है। तो इसका अपडेट अनइंस्टॉल हो चुका है, अब आप इसको एसडी कार्ड में मूव कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कीजिए और ओके दबा दीजिए। तो आप देख सकते हैं क्रोम सक्सेसफुली मूव हो चुका है और ये आपके डिवाइस को रिबूट होने का बोल रहा है। फिर आपको अभी तो कैंसिल दबाना है। अगर आपको और कोई सी ऐप सिस्टम में मूव करनी है तो उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने ये एसडी कार्ड की ऐप सिस्टम में मूव की थी, अगर आप मे को फिर से इसको एसडी कार्ड में मूव करना है तो इस पर क्लिक करना होगा और फिर ओके दबा देना है। तो आप देख सकते हैं ये भी एसडी कार्ड मूव हो चुकी है। अब हमें डिवाइस रिबूट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा डिवाइस रिबूट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि क्रोम और वो फ्रीडम ऐप एसडी कार्ड में मूव हो चुकी है कि नहीं। ये रहा क्रोम, आप देख सकते हैं अब इस पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। हम ऐप इंफॉर्मेशन में जाके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एसडी कार्ड में मूव हो चुकी है और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आने लगा है, और आप फ्रीडम ऐप को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पर भी अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है और ये भी मूव हो चुकी है। तो आप ऐसे ही किसी भी ऐप को सिस्टम से एसडी कार्ड में मूव कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।